एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आकृति और मैं हूँ कीर्ति। आज मैं अपनी इस नई वीडियो में आप सबके लिए लेकर आई हूँ नायका रिपब्लिक डे अनबॉक्सिंग वीडियो। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट दी लाइक बटन, और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर इट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास है वो है हिप हॉप स्किन केयर क्लींजिंग चारको नोज स्ट्रिप। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो मैंने दो पैक का ऑर्डर किया है। एक पैकेट में 3 स्ट्रिप्स आती हैं, तो मुझे सेल में काफ़ी कम प्राइस पे मिल गया, तो इसलिए मैंने 2 का ऑर्डर करा। तो मैं काफ़ी सालों से यूज़ करती आ रही फॉर माई नोज़ ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स के लिए, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और पेनलेस भी है और ईजिली ब्लैक हेड एंड वाइट हेड रिमूव भी हो जाते हैं। तो दैट्स वाई मैं काफ़ी सालों से इसको यूज़ करती आ रही हूँ। जो मेरे पास है वो है निविया मिल्क डिलाइट फेस वॉश बेसन फॉर अ ऑयली स्किन क्लींजेस एंड रिमूव एक्सेस ऑयल। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि काफ़ी छोटा सा ही पैक मैंने ऑर्डर किया है, ये सिर्फ 50 ml का है। मेरी एक्ने एंड प्रोन स्किन है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि प्लम्प या न्यूट्रीजना का ही फेस वॉश यूज़ करूँ, तो बट निविया वालों ने अपनी न्यू रेंज निकाली थी फेस वॉश के लिए, तो मैंने सोचा मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ, तो इसलिए मैंने काफ़ी छोटू सा ही पैक एक बार ऑर्डर किया है। जो हमारे पास है वो है नायका के 2 नेल प्रिंट्स। तो नेल प्रिंट्स लगाना मुझे बेहद ही पसंद है, वैसे मेरे नेल्स काफ़ी छोटे हैं बट नेल प्रिंट्स लगाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं नेल प्रिंट्स ऑर्डर करती ही रहती हूँ जर्नली। तो नायका सेल में मुझे ये काफ़ी कम प्राइस में दोनों नेल प्रिंट्स मिल गए। तो जो मेरे पास एक नेल प्रिंट है वो है पर्पल यूनिकॉर्न 180 और जो दूसरा है वो है मार्शमेलो 191। हमारे पास अवेलेबल है वो है प्लम्प हैंड क्रीम वाइल्ड चेरी एंड कीवी। तो सर्दियों में मेरे हाथ कुछ ज़्यादा ही ड्राई से हो जाते हैं, तो मुझे किसी और क्रीम से इतना रिलीफ नहीं मिलता, तो मैं प्लम्प की ही क्रीम यूज़ करती हूँ। तो ये क्रीम मैंने पहले भी यूज़ करी हुई है हैंड क्रीम, तो इसको मैंने रीऑर्डर किया है। जो हमारे पास है वो है स्विट्स ब्यूटी अल्टीमेट शेडो पैलेट। तो इससे पहले मैं मेबलिन का आई शेडो पैलेट यूज़ करती थी, वो मेरा ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा कुछ नया ऑर्डर किया जाए। तो जो मैंने ये ऑर्डर किया है स्विस का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट, तो मुझे इसके कलर काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और मुझे मिला भी काफ़ी चीप और रीजनेबल प्राइस पर नायका सेल पर, तो इसलिए मैंने इसका ऑर्डर किया है। प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो है लॉरियल पेरिस कास्टिंग क्रीम ग्लॉस कंडीशनिंग कलर और जो कलर नंबर मैंने ऑर्डर किया था इसमें वो है 300 डार्केस्ट ब्राउन। तो ये प्रोडक्ट मैंने मेरी मॉम के लिए ऑर्डर किया। एक तो ये अमोनिया फ्री है और उनके हेयर्स पे ये सूट करता है, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होती, हेयर ड्राई नहीं हो रहे, तो काफ़ी सालों से भी यूज़ करती आ रही हैं, तो उनको ये कलर काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है वो है डॉट एंड की स्किन केयर डी टॉक्सिफाइड चारकोल मूज मास्क। इससे पहले मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया, मैंने इसे पहली बार ही ऑर्डर किया, बट मैंने इसके बारे में काफ़ी गूगल पे रीड करा है, काफ़ी जगह पे मैंने पढ़ा है ये मूज मास्क काफ़ी अच्छा है फॉर अ ऑयली स्किन के लिए। ये डिटॉक्सिफाई कर देता है आपकी स्किन को, जो एक्स्ट्रा ऑयल या डर्ट होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर करा है। जो हमारे पास है वो है प्लम का ग्रीन टी कॉम्बो पैक। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है पहली बात तो, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद खरीदे हैं। तो प्लम के प्रोडक्ट लास्ट 3 ईयर्स से यूज़ करती आ रही हूँ, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मेरी एक्ने एंड प्रोन स्किन है, तो प्लम के प्रोडक्ट्स से मुझे यूज़ करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, तो मैं इसको रीऑर्डर करती रहती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस कॉम्बो पैक में मुझे क्या क्या मिला है। एक तो मिला है प्लम का ग्रीन टी पोर क्लींजिंग फेस वॉश, नेक्स्ट मुझे मिला है इसमें प्लम ग्रीन टी जेंटल रिवाइवल फेस स्क्रब,
नेक्स्ट जो मुझे मिला है इसमें प्लम का ग्रीन टी मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट जो मुझे मिला है इसमें मिला है प्लम का ग्रीन टी एल्कोहल फ्री टोनर। और नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क। और लास्ट मेरे पास है ग्रीन टी क्लैरिटी नाइट जेल। एक तो इन प्रोडक्ट्स की मुझे स्मेल बहुत ही अच्छी लगती है, माइल्ड है और यूज़ करने में भी ये जल्दी से आपकी स्किन इसको ऑब्जर्व कर लेती है, इस नाइट जेल को। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना लाइट है और ये इजीली आपकी स्किन ऑब्जर्व कर देती है, और स्मेल भी काफ़ी माइल्ड है। तो मुझे प्लम के प्रोडक्ट काफ़ी ही ज़्यादा पसंद है। प्रोडक्ट मेरे पास है वो है फेस कनाडा का ये आई काजल। तो ये भी मैंने रीऑर्डर किया है नायका सेल पे, मुझे ये भी काफी कम प्राइस पे मिला है। प्रोडक्ट है वो तीनों एक ही ब्रांड के हैं, मेबलिन न्यूयॉर्क के। तो मेबलिन न्यूयॉर्क के प्रोडक्ट मैं काफी सालों से यूज करती आ रही हूँ, लास्ट 7 to 8 ईयर्स से। तो इसके प्रोडक्ट्स काफी लॉन्ग लास्टिंग और काफी रीजनेबल लगते हैं मुझे। तो जो तीन प्रोडक्ट मेरे पास हैं, एक है मेरे पास मेबलिन न्यूयॉर्क द क्लोसर लाइनर इन अ ब्लैक कलर। नेक्स्ट मेरे पास है मेबलिन न्यूयॉर्क द क्लोसर वाटरप्रूफ मस्कारा। और लास्ट मेरे पास है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन इन 230 नेचुरल पफ शेड। प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो है वेट एंड वाइल्ड की रिटेक्ट एबल पेंसिल इन मीडियम ब्राउन कलर। तो इस प्रोडक्ट को भी मैं लास्ट 1.5 ईयर से यूज़ करती आ रही हूँ फॉर माय आईब्रो फिलर के लिए। तो ये प्रोडक्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इसको नायका से रीऑर्डर किया। प्रोडक्ट मेरे पास है वो है लॉरियल पेरिस की फ्री द न्यूट्स बाय कलर रिची की लिपस्टिक। उसमें मेरा शेड नंबर है 310 नो जजमेंट। और काफी प्रिटी कलर मुझे लगा ये वाला। आपको मेरा ये न्यू वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और हाँ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।